तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता कैसी भी हो। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। अब हम जो करने वाले हैं, अब हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के मिश्रित सवाल। हमने एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग समझा, अलग अलग वीडियो में समझा और पूरी तरीके से समझा। अब कंबाइंड सवालों को देखेंगे। अब एक से दो या तीन क्लास जो आएंगी वो सब हाई फाई क्वेश्चनों की आएंगी। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से लो लेवल हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल, लेकिन इसके बाद से जो क्वेश्चन आने शुरू होंगे वो बिल्कुल हाई लेवल के होंगे। इसलिए अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक है, या फिर आई बटन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है बहुत ही आसान, लिखा है 3/7, 2/5, 5/14 का HCF क्या होगा, पूछा है आपसे का HCF क्या होगा। अब देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो सवाल सीखे थे उसमें ये भिन्न में नहीं दिया हुआ था, सीधे सीधे कोई नंबर दिया हुआ था। ये पहली बार है जब हमारे पास सवाल भिन्न में है। तो मैंने मिश्रित सवाल क्यों कह रहा हूँ, याद रखें जब भी कोई सवाल भिन्न में हो तो, और आपसे जो भी पूछा जाए, जैसे कि मान लेते हैं, मान के लेते हैं इस सवाल में पूछा गया HCF, तो ऊपर जो अंक हैं 3, 2 और 5 इनका तो आप HCF ही निकालेंगे। दैट मीन्स 3, 2 और 5 का क्या निकालोगे आप, HCF। लेकिन जो नीचे संख्या होती है 7, 5, 14 इनका क्या निकालेंगे आप, LCM निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है, जैसे LCM पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले डिजिट का HCF निकालेंगे और नीचे वाली का LCM। अगर मान लेते हैं सवाल में यहाँ HCF के स्थान पर लिखा होता LCM बताओ, तो ऊपर वाली लाइन जो 3, 2, 5 है इसका LCM निकालते और नीचे वाली का HCF निकालते। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल ऊपर वाली का HCF ही निकालना है और नीचे वाली का LCM ही निकालना है। क्लियर है, क्यों निकालते हैं HCF। तो पहले ऊपर क्या संख्या है 3, 2 और 5 का HCF। अब HCF कैसे निकलता है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया भी था। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों को कट कर दे। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी को भाग देकर देख लेते हैं। बच्चे सोचेंगे कि तो बहुत ही आसान है, कितना बचा, एक बचा। अब एक से किसे भाग करोगे, दो को, तो एक दूनी दो पूरा कट गया। अब यह एक बचा, इस एक से पाँच को भाग करेंगे तो सीधी सी बात है पाँच तो एक से कट जाएगा, कितनी बार, पाँच बार। तो इसका मतलब HCF कितना हुआ, एक हुआ। पर मैं बता दूं इसे इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप सवाल कर रहे हो और आपको 3 और 5 एक साथ मिल जाएं, 3 और 5 एक साथ मिल जाएं, या 3 और 7 मिल जाएं, 5 और 7 मिल जाएं, कोई भी दो विषम संख्याएं मिल जाएं एक साथ, या सॉरी विषम संख्या करें अभाज्य संख्याएं मिल जाएं जो किसी से ना कटती हों, तो समझ लेना उसका HCF हमेशा 1 होगा। कोई भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब किसे सोल्व करना है आपको, सिर्फ LCM को। आओ देखते हैं LCM क्या आएगा। LCM के लिए है 7, 5 और 14। तो आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिन्हें ये तीनों कट कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 7 × 7 = 5, 7 × 2 = 14, 2 से काटेंगे 5 ऐसी रहेगा, 2 × 2 = 2, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 10 × 7 = 70। तो LCM कितना आया, 70। तो हमने ऊपर वाले का तो HCF निकाला जो कि आया 1, नीचे वाले का LCM निकाला जो कि आया 70। तो आंसर कितना आया, 1/70। अब कायदे में ये क्या कहलाया, ये इस पूरे का HCF कहलाया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आई होगी, मैं समझता हूँ कुछ बच्चों को। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके का। सामने सवाल चेंज है, अब लिखा है 2/9, लिखा है 2/9, 3/14, 7/20। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया, LCM। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है 2, 3 और 7, इसका क्या निकालोगे, LCM, क्योंकि जो पूछा जाता है वो ऊपर वाली लाइन का। तो नीचे वाली का क्या निकालोगे, 9, 14 और 20 का क्या निकालोगे, HCF। क्लियर है सबको, देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ऊपर वाली का LCM निकालेंगे, तो कैसे निकलता है LCM, 2, 3, 7, वैसे तो तीनों ही कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तीनों किसी और से नहीं कटती, तो इनकी गुणाई करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देख लो।
क्लियर है ना? तीन से कट गया इस बार, सात से कट जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या तीन से कटेंगे तो कर लेते हैं, सात या इक्कीस, इक्कीस दुनी बयालीस, इक्कीस दुनी बयालीस, तो एलसीएम कितना आया? बयालीस। अब निकाल लेते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ कैसे निकलेगा बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। नाइन से फोर्टीन को भाग दे दो, नाइन बन जा नाइन, बचा कितना? चार और पाँच, क्लियर है? कितना बचा? पाँच। पाँच से नौ को भाग दे दो, पाँच एकन पाँच, कितना बचा? चार। चार से पाँच को भाग दे दो, चार एकन चार, बचा कितना? एक। एक से चार को भाग चला जाएगा क्या? हाँ, चार बार। तो एच सी एफ कितना बनेगा? एक, क्योंकि एक से बीस भी कट जाएगा, तो एच सी एफ कितना आया? एक। आपसे पूछा गया था इस पूरी भिन्न का एल सी एम क्या होगा, तो क्या होगा एल सी एम? बयालीस बटे एक। तो क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम निकलता है, नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा एक साथ एलसीएम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरे का एलसीएम ही तो निकाला है। पर विधि क्या होती है कि जो पूछा गया वो ऊपर वाले लाइन का, और जो नहीं पूछा गया वो नीचे वाली लाइन का। शायद क्लियर हो, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो एक सवाल और देखते हैं, क्लियर करवा के मानेंगे चाहे जो हो जाए। मज़ा आ रहा होगा, थोड़े अच्छे सवाल हैं, अभी थोड़े सिंपल सवाल हैं। जिन बच्चों को चैप्टर आता होगा वो लगता होगा क्या सिखा रहे हैं सर, बचकाना चीज़ें। पर मैं बता दूं फिर से, जिन्हें आते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी तो ये सीखे होंगे ना, और आपको आते हैं तो अभी वेट कीजिए, अभी अच्छे सवाल भी आएंगे और अगली वीडियो में और भी अच्छे सवाल आएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और अंत में लिखा है 9/10। पूछा है HCF बताओ, तो जब HCF पूछा है तो ऊपर वाली लाइन का क्या निकालोगे? HCF। अब मैंने बताया था जब कभी भी HCF निकालो, तीन पाँच और सात ये सब एक साथ मिल जाएं या ये दो भी एक साथ मिल जाएं, तो HCF कितना आएगा? एक आएगा। मतलब कि निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, HCF तो एक ही आएगा। हाँ, नीचे जो ये संख्या है इनका LCM निकालना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है ना? अब थोड़ा सा मैंने हाथ तेज कर दिया, पर समझना, HCF पूछा तो ऊपर वाले अंकों का तो HCF एक आ जाएगा, और नीचे वालों का LCM निकालते हैं। तो दो से काट लेते हैं, दो एकन दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, दो पंजे दस। फिर से दो से काट लेते हैं, दो एकन दो, तीन ऐसी रहा, दो दूनी चार, पाँच ऐसी रहा। फिर से दो से कट हो जाएगा, तीन ऐसी रहेगा, दो एकन दो, पाँच। अब तीन से कट कर लेते हैं, बचेगा पाँच, और पाँच से भी कट कर लेते हैं, सही है? तो पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, तीस दूनी साठ, साठ दूनी 120। एलसीएम कितना आया? 120, तो बटे में 120। अभी बताइए क्लियर है या नहीं? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पूछा जाता है वो ऊपर वाले अंकों का निकालते हैं, और जो बचा वो नीचे वालों का। अगर एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछा गया सवाल में तो ऊपर वाली लाइन का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये अगला सवाल एक और है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, ये आप लोगों के लिए है, ये आप देंगे इसका आंसर। आओ देख लेते हैं क्या है। लिखा है 2/4, 4/5, 6/7 का एलसीएम बताओ। तो अब बताइए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली का एचसीएफ निकाल दो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर दें। चलते हैं आगे के सवाल की ओर। लिखा है, थोड़े अच्छे सवाल शुरू हो जाएंगे। लिखा है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 693 है। यदि एक संख्या 77/77 हो तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। बड़ा ही आसान सा सवाल है, और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी बताया गया है। क्या बताया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही बताया था। अब बताइए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 11। तो एचसीएफ की जगह क्या लिख दोगे? 11। एलसीएम कितना है? 693 लिख दिया। तथा यदि एक संख्या 77 है, तो मान लेते हैं कि भैया पहली वाली संख्या 77 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या को x मान लो। क्लियर है? देखो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। फॉर्मूले में लग गया, ये क्या हो जाएगा दोनों के गुणा होकर 77x, ये इसे ऐसे रहने देंगे, गुणा 11, 11 से इसे कट करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 टाइम, 11 7 77। अब सात से इसे भी काट लेते हैं, कट जाएगा क्या? बिल्कुल कटेगा। अगर किसी को ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके आएगा 77x, ये बनेगा 693 गुणा 11, जो यहाँ गुणा में होता है नीचे जाके भाग में पहुँच जाता है,
ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि सर ने ये कैसे काट दिया, तो आप सही है, 11 7 77, 7 से इसे कट कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 9 63 बचा 6 और 7 9 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। तो इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगी आपके लिए, 99 हो। क्लियर है आपका आंसर? तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझदार हैं आप लोग, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दबा के शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, समझदार हैं, कहने की बात थोड़ी ना ये वाली, कर ही देते होंगे आप लोग तो। चलिए, दो संख्याओं का HCF, अच्छा ये वाला कर लिया था, माफ कीजिए। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों संख्याओं का मासा, मासा का मतलब है HCF, मतलब कि महत्तम समापवर्तक 10 है, तो दोनों संख्याओं का लासा, लघुत्तम समापवर्त्य या फिर LCM ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखो, अब पहली संख्या को मैं x मान लेता हूँ, बार बार पहली संख्या दूसरी संख्या लिखने से अच्छा है कि पहली संख्या को x मान लो, दूसरी को y, और LCM गुणा HCF, ये रूल सीखा है ना हमने, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो इन्हें हमें क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500, मतलब इन्होंने दोनों संख्या अलग अलग नहीं देकर एक साथ गुणा करके दे दी, ये तो लिखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 1500, तो x और y के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 1500, ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आगे लिखा है दोनों संख्याओं का मासा, मासा का मतलब है HCF, HCF कितना दे रखा है आपको, 10, तो बताओ LCM क्या होगा, तो यहां बचा LCM, 10 से कट कर दूंगा, 10 से 10 कितना बचा, 150, तो इसका मतलब LCM कितना आएगा, LCM आएगा प्यारे बच्चों 150। कितना आसान और गरीब सवाल था, आप लोगों ने देखा, बचकाना सवाल था एकदम। आइए अगले सवाल, लिखा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, मतलब कि LCM HCF का 28 गुना है। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर HCF x है, HCF x है, तो LCM कितना होगा, 28x, क्यों, क्योंकि 28 गुना है, ये बात समझ में आती है सभी को। चलिए, दोनों संख्याओं के LCM और HCF का योग 1740 है, तो बताइए दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। काफी बढ़िया तगड़ा सवाल, अब आके पहला सवाल थोड़ा सा अच्छा आया है, आप समझते हैं इन्होंने हमें क्या क्या जानकारी दी। इन्होंने कहा कि भैया दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, मतलब कि दो संख्या होंगी जो भी होंगी, तो उनका LCM जो है उनके HCF का 28 गुना है। तो अगर मैंने माना HCF हमारा x है, तो LCM कितना हो जाएगा, 28x, ये बात समझ में आती है सभी को, यहां से क्लियर है। आगे लिखा है दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ दें, ये LCM है और ये HCF है, और लासा तथा मासा का योग ही हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि योग कितना होगा, 1740 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 1740, ये बात है सारी की सारी घुमाकर। क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं, हमने मासा को या फिर HCF को x माना, तो उस हिसाब से हमारा लासा या LCM कितना हो गया, 28x, क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा है 28 गुना होगा। उसके बाद लिखा है कि इन दोनों को जोड़कर, किन दोनों को, LCM को और HCF को जोड़कर कितना आना चाहिए, 1740, जोड़ा प्लस का निशान लगाया बराबर 1740। अब सॉल्व कर लो, 28 और 1 29 बराबर 1740, अब ये 29 से कट जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, 1740/29, अब ये देखना है कि ये 29 से कितनी बार कटता है, तो ये कटता है 6 9 54, मतलब कि 60 बार, तो यहां से हमें मिल जाती है x की वैल्यू कितनी, 60। अभी समझना, सवाल खत्म नहीं हुआ है, आपको x की वैल्यू 60 मिली है, इसका मतलब क्या है, आपको HCF मिल गया, क्योंकि x क्या है आपका, HCF है, तो HCF कितना मिला, 60, ये चीज समझना जरा, HCF कितना मिल गया, 60, जब HCF 60 है तो LCM कितना होगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 60, तो ये होगा 28 गुणा 60, ऐसे कुछ है, इनकी गुणा कर लेते हैं, गुणा करके क्या आएगा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 28 की गुणा करूँगा इससे, तो 6 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 2 12, 12 और 4 1680,
यही है ना, 600 648 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 सही है। कितना आएगा 1680, इसका मतलब HCF 60 आ गया और LCM आ गया 1680। अब इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 1740 भी आना चाहिए। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो। अब ये क्या लाइन आ गई सर, अब देखो एक सवाल में वही सवाल है ये। अब आपने रूल तो पढ़ा ही है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो अब हमारे पास LCM कितना है 1680 गुणा HCF कितना है 60, पहली संख्या कितनी है 240, आपको केवल दूसरी संख्या बतानी है। बात समझ में आए, कितना अच्छा सवाल है। पहले आपसे इन्होंने दोनों HCF और LCM निकलवाए, उसके बाद आपसे दूसरी संख्या भी पूछी जा रही है। तो कितने आराम से इस सवाल को बनाया गया है, गढ़ा गया है, बहुत ही शानदार अद्भुत सवाल है, एकदम अद्भुत सवाल। आओ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, दूसरी संख्या ऐसी रहेगी जो कट रहा है उसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया काट देते हैं, 6 चौ 24, 4 आ गया है ना, और 4 से इसे काट देते हैं, 4 चौ 16, 4 दूनी 8 और 0 ऐसे ही। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 420 आ गई, और यही आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही लेंथी करा दिया, इतना कैसे होगा एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों जब आप सवाल सीख जाते हैं तो हम क्या इतना कुछ लिखेंगे जो मैंने लिखा है, नहीं लिखेंगे ना। मैं बताता हूँ फिर कितना लिखा जाता है सवाल, आइए देखो फिर सवाल कितना लिखा जाता है, एक बार मैं आपको शो करता हूँ। हमें पता चल गया कि भैया ये x है, ये 28x है, दोनों जुड़ गए क्योंकि जोड़ने की बात हो रही है, क्या हो कितना। तो हमें पता है कि भैया 29x की वैल्यू आ गई कितनी 1740, 29 से इसे भाग दूंगा कितना आएगा सीधे सीधे 60। जब ये 60 आ गया और ये 28 से गुणा करके कितना जाएगा 1680। ये आपको थोड़ी सी यहाँ मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्या कि भैया एक्स की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 60 और इसकी आ जाएगी 60 गुणा 28, मतलब कि 1680। अब आप वो वाला रूल लगा लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, नहीं हो जाएगा छोटा, प्रैक्टिस से छोटा होता है याद रखिए, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सवाल बैठ जाए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में खुल के दिल खोल के बताएं कि कैसा लगा सवाल, मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है ना, बहुत अच्छे से बताएं प्लीज। आइए देखते हैं अगला सवाल लिखा है, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय उन संख्याओं के मासा से मतलब कि महत्तम समावर्तक से 6 गुना है, तदनुसार यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब देखो छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या 6 से बड़ी होगी, कन्फर्म है, बात समझ में आ रही है ना। देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। ये कह रहा है दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तीय उन संख्याओं के मासा से 6 गुना है, मतलब कि LCM HCF का 6 गुना है। अगर ये कह रहा है क्या लघुत्तम समावर्तक मतलब कि HCF, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, LCM कि LCM HCF का 6 गुना है, मतलब कि अगर ये x है तो ये कितना है 6x, यही तो कह रहा है इसका मतलब भी जो अभी पिछला सवाल था। उसके बाद इसने बताया कि यदि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या बताइए, मतलब कि ये कह रहा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, यही तो कह रहा है आपसे, ठीक है ना। तो आपने क्या करिएगा देखते हैं। अब देखो ये संख्या जो छोटी छोटी दी है बहुत बड़ी नहीं है, ऐसा तो हो सकता है कि 6 गुना मानना हो, अगर मैं इसे 3 मान लूँ, संख्या मान लेते हैं ना, एक्स का जनरेटर खत्म करते हैं, अगर मैं इसे 3 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसे 3 माना इसे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 * 3 = 18 हो गया, नहीं 6 गुना। पिछले सवाल में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि उसमें बता रखा था कि जोड़ के कितना आना चाहिए,
इसमें यह नहीं बता सकता कि जोड़ के कितना आना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर ये बता देता सवाल में कि भैया जोड़ के 80 आना चाहिए तो हम नहीं मान सकते थे, क्यों? क्योंकि जोड़ के 80 नहीं आ रहा, पर इन्हें हमें बताया ही नहीं जोड़ के क्या आना चाहिए, इसने सिर्फ इतना बताया कि एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, तो अगर ये 3 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 18, तो इसका मतलब एचसीएफ 3 और एलसीएम 18, एलसीएम 18 एचसीएफ 3, बात सबको क्लियर है या नहीं? क्योंकि 6 गुना है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या ही छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या कितनी है 6, तो दूसरी संख्या आपको या फिर लिख दो बड़ी संख्या पता करनी है, ऐसा ही है ना। अब देखो 3 × 6 क्लियर है, 3 × 6 और 2 × 18, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। देख रहे हैं ना कितने आराम से सवाल हो पा रहा है, बिल्कुल ही आसान तरीके से सवाल हो पा रहा है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी तो करो लाइक दबाकर, क्या चिंता है हमें। फिर आओ देखते हैं अगला सवाल। लिखा है दो संख्याओं का मासा 27 है, मासा मतलब एचसीएफ। ये बहुत ही बढ़िया, ऐसे सवाल बड़े आते हैं जितने बाद में सवाल करने शुरू करें, जिसमें थ्योरी लिखी है, बहुत ही गजब के सवाल हैं, एग्जाम में मिलेंगे, मजा आ जाएगा, देखते ही चुटकियों में हवा कर देना सवालों को, एकदम धूल उड़ा देना। जबकि उनका योग 216 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं, ये सवाल वाकई में बहुत आता है, ठीक है ना। आओ देखते हैं, अब आज आपको एचसीएफ की एक अंदर की बात भी पता चलेगी, बहुत ही गजब की बात, देखते हैं कैसे। लिखा दो संख्याओं का मासा 27 है, वैसे तो मैंने एचसीएफ चैप्टर आपको समझाया बहुत अच्छे से समझाया था जहां तक मुझे लगता है, पर अभी भी कुछ है, देखो अभी चले करते करते पता चलेगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है जबकि उनका योग 216 है, तो मान लेते हैं दो संख्याएं है ना, माना दो संख्याओं में एक संख्या एक्स है और दूसरी वाई है, ठीक है, और इन संख्याओं का योग क्या है 216, मतलब इन्हें जोड़ दूं तो कितना आएगा 216, और इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है 27, तो इसका मतलब 27 इसमें भी है और 27 इसमें भी है। यह है बड़ी काम की बात कि 27 इसमें भी है 27 इसमें भी, यह बात समझ में नहीं आई, अब समझाता हूं। मैंने लिखा 25 और 30, क्लियर है, मैंने लिखा 25 और 30, बताइए इनका एचसीएफ कितना होगा, मैं बता देता हूं सामने से, इनका एचसीएफ होगा 5, कितना होगा एचसीएफ 5, क्योंकि 5 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है, क्लियर है। आओ तो जब दोनों संख्या डिवाइड हो रही है तो कर देता हूँ एक बार डिवाइड, इसे क्या करूँगा 5×5=25 और इसे क्या बोलूँगा 5×6=30, क्लियर है ये बात। तो अगर मैंने बोला कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 55 है, जिनका योग 55 है, मैंने एक सवाल बोला कि दो संख्याएं हैं हमारे पास जिनका योग कितना है 55 है और HCF 5 है, क्लियर है, मैंने एक सवाल अपनी तरफ से दिया कि योग 55 है और HCF 5 है, तो मैंने संख्या मानी 5 और 6, समझना बिल्कुल अच्छे से समझना, मैंने संख्या मानी 5 और 6, या फिर मैंने x और y भी मान सकता हूँ। अब देखो क्योंकि संख्या क्या थी असल में 25 और 30, अब इसके अंदर से 5 है या नहीं, 25 के अंदर 5 है या नहीं, अभी अभी तो भाग करके निकाला, 5×5=25 और 5×6=30, तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकता हूं मैं × 5 और इसे क्या लिख सकता हूं मैं × 5, तो वापस से संख्या बन जाएंगी, क्लियर है या नहीं। तो ऐसे यहां पर दो संख्या x और y थी और इनका एचसीएफ क्या है 25, तो × 27 और इसमें के अंदर भी × 27, बात नहीं हुई हो क्लियर, तो मैं सवाल ही करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। अभी तो हमें पता है ना संख्या क्या है, हमें तो पता है कि संख्या क्या है, तो हमने संख्या मानी x और y, x प्लस y, इनका योगफल 55, एचसीएफ क्या है 5, तो इसके अंदर भी 5 होगा और इसके अंदर भी 5 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों संख्याओं में हो, इसीलिए दोनों संख्याओं में अलग अलग लिख दिया, ऐसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह, याद रखना कॉमन कब ले सकते हो जब बीच में प्लस या माइनस हो, बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो कॉमन नहीं ले सकते, बीच में भाग का निशान होगा तब भी कॉमन नहीं ले सकते, केवल दो ही कंडीशन है, या तो प्लस का चिन्ह हो या माइनस का, तो यहाँ प्लस का कॉमन ले लिया 5, अंदर बचा एक्स प्लस वाई बराबर 55, कुछ ऐसे रहता है, 5 से इसे मैंने कट कर दिया, कितना आया 11, तो एक्स प्लस
वाई बराबर 11 आ गया। क्लियर है, समझना। वैसे तो हम जानते हैं ना, 5 से काट के जैसा आया तो 5, से काट के आया तो 6। अब देखो x प्लस वाई कितना आया, 11। तो 6 और 5 कितने होते हैं, होते हैं ना 11, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर 11 आ रहा है। इन दोनों को जोड़कर देखो 11 ही आ रहा है। अब हमारा जो सवाल है वो यही कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखो एक पेयर क्या बन सकता है 5 और 6 का, ऐसा ही तो सकता है कि 7 और 4 हो, 7 4 भी 11 होते हैं। बात समझना, अभी सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखते हैं रियल सवाल को। तो यहां से क्या करा, 27 को कॉमन ले लिया क्योंकि बीच में प्लस है, तो क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। 27 से इसे कट कर लेते हैं, 216 को कट कर लेते हैं 27 से, कितनी बार जाएगा, 7 के पाड़े में 6 कब आता है, 7 छंग 42, 7 सत्तर 49, 7 अट्ठे 56, कितनी बार जा रहा है 8 बार, 27 अट्ठे 216। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 8, मतलब कि दो संख्याओं का योग 8 आ गया, ये जो बची x प्लस वाई। क्लियर है। पर अब यहाँ कितने पेयर बन सकते हैं, मतलब कि इसका मतलब होता है कि कितने जोड़े संभव हैं। इसका क्या मतलब है साहब, इसका मतलब है कि जब आपके पास x प्लस वाई बराबर 8 आ गया तो ऐसे भी तो सकता है कि इस x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 3 हो, तो 8 आ जाए, कितने पेयर बने, एक पेयर बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 7 हो, तो 7 और 1 8, दूसरा पेयर बन गया। बात समझ में आ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक की वैल्यू 4 हो और इसकी 4 हो बराबर 8 हो, कैसे हो सकता है, जी नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, दोनों जगह बराबर अंक नहीं आ सकते, और नहीं ऐसे अंक आ सकते जिनके बीच में कुछ कॉमन हो। मतलब कि आप यहाँ पर 2 प्लस 6 भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2 से 6 कट जाता है, ऐसी संख्या नहीं रखेंगे जो आपस में कट जाती हों। क्लियर है ना, ना ही आप ऐसी कोई भी संख्या नहीं रख सकते, ठीक है ना, 2 और 6 भी नहीं रख सकते। तो इन दोनों के अलावा कोई उससे 5 और 3, 3 से 5 कट जाता है क्या, नहीं करता, ठीक है ना, क्या 7 से 1 कट जाता है, नहीं करता, 1 से 7 कट जाता है, पर ये चलेगा, क्यों, क्योंकि एक तो कॉमन होता ही होता है हर एक में, ठीक है। क्या इनके अलावा कोई और संख्या है जिन्हें जोड़कर 8 आ जाए, सर जी और तो नहीं है। तो भैया कितने पेयर बन सकते हैं, कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। देख रहे होंगे आंसर कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सवाल, जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को। तो कितने जोड़े संभव हैं, 2। क्लियर है सबको सवाल, भैया बड़ी शिद्दत से सिखा रहे हैं। देखो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ना भूलें ऐसा, ठीक है। आओ देखते हैं अभी और सवाल है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका मासा 25 है। संख्या बताइए है, बता देते हैं, आ जाओ। दो संख्याओं का योग कितना है 275, इसका मतलब दो संख्या क्या हो सकती है, x और y, इनका योग कितना 275। इसके बाद उन्होंने बताया जबकि उनका मासा कितना है 25। अभी रिपीट हुआ है सवाल, देखो इसका मतलब 25 यहाँ भी होगा और 25 यहाँ भी होगा, क्योंकि ये मासा है। कभी यहाँ पर लासा लिखा हो ना या फिर एलसीएम लिखा हो तो मत कर देना, ठीक है ना। केवल ये सुविधा किस में है, एचसीएफ में, मासा में है कि दोनों तरफ होगा, क्योंकि ये कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, x प्लस वाई बचेगा सर जी। तो करते रहो बड़े आराम से, x प्लस वाई अगर हो गया तो वीडियो रोक कर आगे का आंसर दें, कोई परेशानी नहीं है, यही तो अच्छा होता है। अपॉन 25, 25 सेकंड 25 बचा 2, 25 सेकंड 25 कितना आया, x प्लस वाई बराबर 11 आ गया। उसने पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, इस बार आपसे पेयर नहीं पूछा कि कितने जोड़े बनेंगे, सब पूछा वो संख्या बताओ क्या बनेंगी। तो उसके लिए भी पेयर बनाने की जरूरत पड़ती है, कितना आया x प्लस बराबर 11, तो इसका मतलब एक संख्या 6 हो सकती है दूसरी 5, तभी तो 11 आएगा, या फिर एक संख्या 7 हो सकती है दूसरी 4, तभी तो 11 आएगा, या इसके अलावा कोई और बचा, हाँ सर एक प्लस 12 भी हो, सॉरी एक प्लस 10 भी हो सकती है, तब 11 आएगा। क्लियर है। तो सर आंसर क्या होगा, संख्या कैसे पता करेंगे, तो संख्या पता कैसे कर सकते हैं आप, इनमें से कोई भी एक ले लें, या तो ये ले लें या ये ले लें, कोई भी एक ले लें। मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर संख्या 1 मानी गई है, तो ये किसका काम कर रही है, x का, क्योंकि x की जगह मानी है, और ये 10 किसकी जगह काम कर रहा है, y की जगह। तो यहाँ पर देखो 25x है, इसकी गुणा 25 से कर देता हूँ, 25 गुणा 1 कितना आएगा 25, प्लस 10 की गुणा भी 25 से कर देता हूँ, तो कितना बनेगा 25 गुणा 10, मतलब कि 250, जोड़ के देखिएगा कितना आएगा 275 ही बैठ रहा है। तो इसका मतलब इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है, मतलब या तो वो संख्या 25 और 250 हो सकती है, पहला ऑप्शन। अब ये देखना है कि ऑप्शन में कितना दिए हैं, जो चार ऑप्शन होंगे उसमें से या तो 25 और 250 होगी, या फिर
अगर आपने संख्या को सात और चार माना है तो 25 की सात से गुणा कर लो और 25 की एक बार चार से कर लो, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, जोड़ कर देखो 275। तो या तो संख्या 175 होगी और 100 भी हो सकती है, संख्या 25 और 250 भी हो सकती है, संख्या 175 100 भी हो सकती है। 6 और 5 को मानोगे तो फिर इनकी भी गुणा कर लो ऐसे, 25 छक्का और 25 पंजे, और ये जो गुणा करके आएगा वो भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हो। तो आई होप सो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पर जोड़े और भी बन सकते हैं, जोड़े हर एक बनाना, 8 और 3 का ही बन सकता है, जोड़े हर एक बनाना, ठीक है। अगर जोड़े ही पूछ लिए कि कितने हुए तो गलती नहीं होनी चाहिए, जोड़े सारे बनाएंगे। अभी समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिखा है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 24 है, आपके अंतर दे दिया तो क्या करिएगा, x माइनस वाई बराबर 24, उनका मासा, मासा का मतलब एचसीएफ कितना है 12, तो इसका मतलब 12 यहाँ भी और 12 यहाँ भी, तो कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस हो या प्लस हो कॉमन लिया जा सकता है। अभी तो सवाल समझ में आने शुरू हो गए होंगे, 12 दुनी 24, x माइनस वाई बराबर कितना आया 2। अब आगे की शर्त पढ़ो, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो x माइनस वाई बराबर 2 आया, क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है, जरा बताइएगा कितने जोड़े संभव हैं, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, ये वीडियो पॉज कर लेना, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, है ना। बताइए कितने जोड़े संभव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, वीडियो पॉज कर लेना, कंफर्म वीडियो पॉज कर लेना मेरे कहने से, और जोड़े तैयार करना कितने जोड़े हैं, और फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है ना, और चीटिंग मत करना, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर 10 हो, ओ नहीं चलिए यहाँ पर 7 हो और यहाँ पर 5 हो तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो यहाँ पर 7 हो तब भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11 हो यहाँ पर 9 हो तब भी 2 आ जाएगा। भैया अंतर है, अनंत काल तक चलते ही रहेगा, क्यों, देखो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ 199 हो यहाँ 197 हो तब भी 2 आएगा अंतर, ये तो अनंत काल तक चलता रहेगा, कहाँ तक, अनंत काल तक, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, अनंत काल तक कितने भी पेयर बन सकते हैं, अनलिमिटेड पेयर बन सकते हैं, क्योंकि ये तो बनते जाएंगे, जहाँ तक तुम्हें संख्या आती है बनाते रहो, कन्फर्म है, ठीक है। अगर आपका भी यही आंसर था तो फाइन, और आपने आंसर कुछ दे दिया था कि भैया 5 जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे, 7 जोड़े बनेंगे, तो अब तो पता चल गया होगा। आओ ये आखिरी सवाल है आज का, देखते हैं इसे भी। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, जबकि उनका मासा 16 है, जबकि उनका मासा 16 है। अब सवाल अलग है, इस बार प्लस और माइनस का नहीं, इस बार गुणनफल का सवाल है, किसका है, गुणनफल का, और बहुत ही पेचीदा बढ़िया सवाल, एकदम ताज़ा। अगर ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणा वाई बराबर कितना है 1768 रुपये, और मासा कितना है 16 रुपये, इसका मतलब 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी, मासा का मतलब तो ये हुआ, पर इस बार 16 को कॉमन नहीं ले सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो कॉमन नहीं ले सकते। तो भर सर क्या करेंगे, फिर तो ऐसी करो, x गुणा वाई ऐसी रहने दो, ये ऐसी रहने दो, ये एक बार 16 नीचे आ गया, जो कि जीस गुणा में होती है वो नीचे भाग में जाती है, एक बार ये 16 भी आ गया, ऐसे कर लो, मत लो कॉमन, किसने कहा है। अब यहाँ से संख्या कट करके देखो भैया, कट करने के बाद क्या आएगा, चलिए कट कर लेते हैं, 448 और 16 से ऐसा कट करेंगे तो 28, मतलब कि x गुणा बराबर 28 आ गया। आगे क्या कह रहा सवाल में, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, भैया निकाल दो जोड़े, देखो x गुणा वाई बराबर 28, अब बताओ कितनी ऐसी संख्या जिन्हें गुणा करके 28 आता हो और उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, मतलब एक दूसरे से कट ना रही हो, 7 चौक 28 पहला पेयर, है ना, बन गया ना पहला पेयर तो बन गया, और 1 गुणा 28 ये भी बन जाएगा, दूसरा पेयर बन गया, क्या तीसरा पेयर बनेगा कोई, 28 दो से काटते हैं तो 2 एकन 2 और 2 चौक 8, 14 दुनी 28 पर ये नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 2 से 14 कट रहा है, यहाँ पर 1 से 28 कट रहा है, पर ये चलेगा, क्यों, क्योंकि भैया 1 तो कॉमन होता ही होता है, कोई भी संख्या हो दुनिया की, ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2, क्योंकि 2 से कट रही हैं दोनों संख्याएँ, ठीक है, या फिर इस 2 से ये कट रहा है, ठीक है, तो
नहीं चलेगा। क्या और कोई संख्या है जिसका पेयर यहां पर बन सकता हो? चार का तो हो गया, नहीं है, नहीं है। तो कितने पेयर बनेंगे? दो। कितने पेयर संभव हैं भैया? दो पेयर संभव हैं, दो जोड़े बन सकते हैं। तो आपने देखा कितने आराम से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो आधे बच्चों पर मेरा मैसेज ही पहुंच जाता है, पर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।